दोस्तों आज मैं चार पॉइंट में बात करूंगा। सबसे पहले तो कि जो आकांक्षा दुबे के साथ जो एक लड़का आया था 17 मिनट उस होटल में रहा था वाराणसी में, वो कौन था। दूसरी बात कि भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन कौन ऐसे हैं कलाकार जो आकांक्षा दुबे के परिवार को न्याय दिलाने में पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। तीसरी बात, क्या समर सिंह को हो गया जेल। और चौथी बात मेन इम्पोर्टेंट ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया। तीन चार बिंदु में मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आकांक्षा दुबे जब किसी भी पार्टी से आई थी तो उसके साथ एक लड़का आया था और वो लगभग 17 मिनट वाराणसी के होटल में उनके साथ रुका था। तो वो कौन था, तो अभी तक तो ये जानकारी नहीं मिला है कि वो कौन था, मतलब वो दोस्त था या क्या था, वो अभी जानकारी नहीं मिला है। लेकिन उसका नाम सामने आया है और उसका नाम ये है संदीप सिंह। अब हम लोग दूसरा मैटर पर चलते हैं कि जो आकांक्षा दुबे के परिवार को कौन कौन एक्टर साथ दे रहा है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री से सभी लोग साथ दे रहे हैं दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर सभी लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन सामने की बात करें तो अभी अभी फोन में राकेश मिश्रा, पवन सिंह, और अगर सामने जाकर मिलने की बात करें तो रितेश पांडे की भी कुछ कुछ खबर आ रहा है, लेकिन जो अक्षरा सिंह है वो जरूर मिलने गई थी। अब तीसरी बात, क्या समर सिंह को हो गया जेल। दोस्तों ये खबर आप लोग काफ़ी YouTube पर देख पा रहे होंगे, लेकिन ये फर्जी खबर है। आप लोगों को बता दूं कि अभी समर सिंह को जेल नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, यानी पुलिस ढूंढ रही है, यहाँ तक कि मुंबई भी पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक समर सिंह पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। अब चौथा मेन इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया। तो दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो अभी पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, आंशिक रूप से ये जरूर पता चला है कि दम घुटने से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये आंशिक रूप से हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट जो आता है लगभग 10-15 दिन के बाद, दूसरा रिपोर्ट, उसमें सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा कि आखिर इनकी मौत हुई है वो कैसे हुई है। तो बस यही खबर था, आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में मिल चुका होगा। आने वाले खबरों के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आकांक्षा दुबे के परिवार के लिए आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा।